हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल समाचार, कैसे हैं सभी लोग? और जो भी लोग एग्जाम दिए हैं ज्वाइन कीजिए। दीपक कुमार, गुड इवनिंग। जिनका आज एग्जाम हुआ वो मुझे एक बार कंफर्म करिए। हाँ सर, मेरा एग्जाम हो गया है आज। एंड देन आप हमें बताइए क्वेश्चंस नंबर पे, मैं बोल दे रहा हूँ भेज देने के लिए। उस नंबर पे अगर आप कुछ लिख कर लाए हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप हमें बताइए ताकि आगे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स हो। और कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो भी क्लास ज्वाइन किया, जिनका 15 तारीख को आज पेपर था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुनने में आ रहा है कि केमिस्ट्री काफी इजी थी, है ना? बायोलॉजी ठीक ठाक था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। जागृति कुमारी हैंड राइज कीजिए, खुशी शर्मा हैंड राइज कीजिए, है ना? कैसा रहा पेपर खुशी जी? जागृति, अभी जस्ट आई हूँ। कैसा रहा पेपर? अनुराग जी, आपका पेपर कितने तारीख को है? मानसी सिंह, चलिए मेरे को बच्चे मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी कुछ पेपर में क्वेश्चन वगैरह याद है, लिख लिख दे सकते हैं, मैं सॉल्व करवा दूंगा। 16 को है आपका। जिनका भी पेपर हुआ है वो हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए। मैं उनसे बात करके थोड़ा सा बायोलॉजी अच्छा हुआ। चलिए कल भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से। ठीक है, जिनका है। हेलो, हाँ, प्रणाम सर। कह रहे थे सर कि BTUP का कुछ अपडेट आया है। देखिए, एक अपडेट इस तरीके से है कि एग्जाम में कुछ गैप वगैरह मिला है तो एग्जाम डेट 22 तारीख से ही। हाँ, कोई चेंज नहीं है। अगर ये पूरा नोटिफिकेशन आपके पास है, अच्छा, चलिए ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आया है सर तो भेज दीजिए मेरे पास थोड़ा। ओके सर, चलिए। तो मैं मानसी जी, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी आवाज जा रही है। हेलो, हाँ हेलो जी मानसी जी, आप तक आवाज जा रही है? जी सर, नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं? सर। ठीक हूँ सर। बायोलॉजी मतलब जितना आप पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब बहुत अच्छा बायोलॉजी का हुआ बायोलॉजी हो गया। अच्छा, जी। केमिस्ट्री भी मतलब अच्छा हुआ, लेकिन फिजिक्स थोड़ा हार्ड थी। फिजिक्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन देखने को कुछ बच्चे से मेरी बात हुई है, जो बच्चे मुझे जी इंस्टाग्राम वगैरह से फॉलो वगैरह करते हैं, उन्होंने बताया कि जी बायोलॉजी सर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रहा पेपर, ना इसको बहुत हल्का बहुत कहेंगे। बायोलॉजी से मतलब जैसे लग रहा था कि हम लोग पढ़े क्वेश्चन देख हाँ, तो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ IVF से क्वेश्चन आया था। मैंने मॉक टेस्ट में IVF के बारे में पूरा GIFT ZIFT सब कुछ पढ़ा दिया था, पढ़ाया था ना? के जी। और ये प्रोटीन से मतलब चांदनी कह रिलेटेड रही है क्वेश्चन प्लांट थे। किंगडम का, किसमें सीड आता है बट फ्लावर नहीं आता है, बताइए। सीड आता है, फ्लावर नहीं आता है, किसमें? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा ना, सीड आती है बट उसमें फ्लावरिंग प्लांट नहीं है ना। जी हाँ, GIFT से क्वेश्चन आया था, GIFT में आया था, मेंडल के प्रायोगिक सामग्री के। तो क्वेश्चन ओवरऑल कहा जाए कि मतलब है कि आपके पास एक पेपर मतलब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? जी चलिए, तो अब पता चलता है सर, देखो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कैसा, मतलब
हाँ, मतलब आपका अनुमान क्या लग रहा है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बायोलॉजी जब किया था या फिर केमिस्ट्री किया था तो कितना लग रहा है, क्या लग रहा है बायोलॉजी कितना था? बायोलॉजी होगा ना कि में बायोलॉजी क्या बोले? हाँ में मैंने 30 क्वेश्चन कर दिए थे, उसके बाद थोड़ा मतलब कंफ्यूजन लग रहा था। हाँ ये चीजें मुझे पता है कि 50 में से 30-35 तक फर्स्ट बार में होता है, क्योंकि मैं भी पेपर वगैरह दिया हूँ तो मेरे से भी वही स्थिति होती है, 30-35 तक, और लगभग बच्चा वही तक, एवरेज स्टूडेंट जो होता है वही तक पहुंचता है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा लेता है, एफर्ट लगाता है तो 40-42 तक पहुंच पाता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है तो बताइए, कुछ कोई एक आध क्वेश्चन याद हो ताकि बच्चे जिनका एग्जाम है उनके मन का टेंशन खत्म हो थोड़ा। हेलो मानसी सिंह आप, हाँ बता रहे थे कि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन इजी आया था तो केमिस्ट्री जो वसीम सर पढ़ाए थे उनसे कुछ मिला था? जी सर जी, बोलो। मिला था ना। चलिए चलिए ठीक है मानसी जी, जितना क्वेश्चन वगैरह याद होगा ध्यान होगा तो अगर लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो बहुत अच्छी होगी। ठीक है ओके सर, ओके। ओके थैंक यू। चलिए और जिनका पेपर हुआ है, जिनका पेपर हुआ है वो हैंड राइज करिए और थोड़ा सा हमें बताइए कैसा रहा पेपर, है ना? हम लोग इसी दिन का इंतजार करते हैं कि जो पढ़ाया है, जो चीजें मैंने लेक्चर्स दी, मॉक टेस्ट दिया, उससे कितना क्वेश्चन लड़ा, कितना आपका अनुमान है ना? जागृति कुमारी, खुशी शर्मा, खुशी शर्मा बताइए जी। खुशी जी आपका आवाज जा रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग खुशी, कैसा रहा पेपर? अच्छा सर अच्छा गया है। यस गया है? सर, कितना क्वेश्चन सही किए हैं बायोलॉजी में? बायोलॉजी में फर्स्ट राउंड में मैं तो 30 कर दी हूँ, फिर कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा था तो फिर भी फिर दिमाग लगा कर की हूँ, लेकिन पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ, 100 का 100 पूरा। 100 का 100 अटेम्प्ट किए हैं। केमिस्ट्री सही आया था बट फिजिक्स बहुत हार्ड आया था। फिर कोई बात नहीं, हार्ड आने से फायदा होता है, पता है क्या होता है? भी नहीं छोड़ी, उसमें भी 10 क्वेश्चन सही कर ली फिजिक्स में भी, फिर वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, में। मतलब मैं मानू तो आपका बायोलॉजी तकरीबन मिनिमम 35 तो कोई काटेगा नहीं, अगर 30 नहीं अटेम्प्ट में आप मारे हैं, 20 को में पांचों को सही नहीं होगा, ऐसा भी खराब नसीब नहीं होता है, 35 को आपका नहीं बायोलॉजी हम मान के चलते हैं, और अच्छा नसीब रहा तो 40 आराम से हो जाएगा, मतलब जो हाँ ग्राफ सर, अब देखिए रिप्रेजेंट किया था वैसा हुआ है। केमिस्ट्री कितना सही हो सकता है? केमिस्ट्री तो 15 सही की हूँ, केमिस्ट्री 15, वाओ, मतलब अब 35 देखिए को क्या होता जब है आप लास्ट गिरे में क्या 35 पर होता 40 10 50 तक पहुंच गए, फिजिक्स 10 60, पांच क्वेश्चन वगैरह इधर उधर हो जाएगा, मतलब आप रिजल्ट है। की हाँ तरफ सर, अब भगवान जाने क्या होगा, मैं कर दी हूँ सही। बस बस बस, आप अपना काम कर दिए हैं, आप पढ़ाई किए थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपने फ्रेंड्स को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए एक बार कि वो लोग भी अच्छे से पेपर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पे पेपर दिए हैं, जिनको अभी भी शक था मेरे कंटेंट पर कि मेरे पढ़ाई में से नहीं आता है पेपर, तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि पेपर कहाँ से आता है, कहाँ से आना है, मैं क्वेश्चन दे भी हाँ सर, चुका बस उससे स्वास्थ्य से आया था एक क्वेश्चन, और इससे अनुवांशिकी से आया था, अनुवांशिकी हूँ। से 2 क्वेश्चन आया था, एंटीकोडॉन किस आरएनए में होता है और राइबोसोम के उत्पादन में कौन भाग लेता है, और राइबोसोम का वो प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से, यही सब आया था सर। हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ हेलो। जी लाइट चली गई है, बताइए। हाँ सर सही आया था, और प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल आया था ए वाला, और राइबोसोम मतलब का। कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट काफी अच्छा रहा, मॉक टेस्ट से हाँ क्वेश्चन जितना बता रहे सब चीज तो मॉक टेस्ट में मैं करा ही दिया था। हाँ प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ये आया था, और उससे आया था
डार्विनवाद का जो नियम है उससे आया था, प्राकृतिक वरण, और कोशिका से ज्यादा नए क्वेश्चन आया था, और एक आया था एंजियो स्पर्म की जिम्नो स्पर्म में कितने केंद्रक और कितने सेल होते हैं, इसमें से आया था। और सर याद नहीं आ रहा, वही क्वेश्चन ढूंढ रही थी बुक में। मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन होगा कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर कट हाँ स्पष्ट बताया हुआ है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट है ना, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में, 7 सेल और बीच में चूंकि 2 न्यूक्लियस है ना तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। देखिए सारे बच्चे सही आंसर कर दिए। चलिए जागृति जी, अभी आप अपना काम कर दिए हैं। खुशी शर्मा नाम है ना आपका? हाँ हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संपर्क में रहिएगा, संपर्क में रहना ओके है। मैं लाइव अगर एग्जाम हो गया तो ऐसा नहीं कि हमसे बात बात नहीं करना है, हम लाइव जब भी आएंगे ज्वाइन करिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा ताकि आपके आगे की कोई गलती की वजह से कहीं कॉलेज मिला हुआ चूक ना जाए। ठीक है केमिस्ट्री बहुत इजी आया था, बायोलॉजी से भी इजी केमिस्ट्री आया था उसे, बस बहुत हाँ, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था उसने केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल कितना क्वेश्चन था? पीरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं था वो, पीरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं आई नहीं, और मुख्य क्वांटम संख्या से आया था और इससे आया था, पता नहीं, थी। याद के नहीं कुछ आ रहा है। क्वेश्चन ताकि लोगों को तो, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन था है ना, हाँ मुख्य क्वांटम संख्या से आया था और प्रिंसिपल याद क्वांटम नहीं। नंबर तो पढ़ाए हुए हैं। चलिए और मतलब वर्तमान सी सर की पढ़ाई से अगर जो किया जाए तो हेल्पफुल रहेगा। हाँ रहेगा, चलिए और ठीक है, मैं ओके। एक से भी पढ़ी थी, A2B2 से भी पढ़ी थी, और SY एकेडमी से भी पढ़ी थी, केमिस्ट्री फिजिक्स। हाँ, एकदम बढ़िया किए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए मैं बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इधर उधर जहां से मिल जाए वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी के लिए सोचने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगा है अब ना, सब देखिए क्या बताए, पूरा क्वेश्चन तो की हूँ। होगा होगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है हाँ सर, थैंक चलिए ठीक है खुशी जी, थैंक यू सर। यू थैंक यू। अयस्क हेमेटाइट ये सब तो मुझे भी याद है यार। नंदिनी पटेल बताइए, नंदिनी पटेल आप जानकारी? हेलो, गुड हाँ जी नंदिनी जी बताइए। इवनिंग वेरी गुड इवनिंग, आपका भी पेपर था ये कल है? पेपर पेपर सर। यस सर, था ठीक था। था, कैसा हाँ रहा सर पेपर? हेलो ठीक था सर, बायो बायोलॉजी ठीक था और फिजिक्स थोड़ी कम थी। हेलो, क्या लग रहा है? हाँ हाँ बताइए, आवाज जा रही है हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। सर? एक क्वेश्चन आया था, उसमें DNA का आनुवंशिक पदार्थ हो, DNA और RNA दोनों होगा कि DNA अकेले? किसका आर्य किसका आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पे पूछा गया होगा कि वायरस है का, वायरस का। वायरस, वायरस का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था फिर से बोलिए? वायरस का आनुवंशिक पदार्थ हाँ सर, डीएनए या फिर आरएनए? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होता है। उसमें ऑप्शन था कि DNA या RNA, और DNA केवल, RNA केवल, और ऐसे था। ऐसे होगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रख रखा है कि देखिए हम लोगों में डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरस में ये नियम है कि या तो डीएनए ही होगा या तो आरएनए ही होगा। अब मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से क्या कहते हैं ऑप्शन वगैरह चूज करके मार सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, हम आंसर ये वाला किए हैं, RNA है तो और ये भी DNA। हाँ हाँ सही है सही है, और ये वाला आरएनए या तो डीएनए तब तो सही है, और वाले में नहीं, आरएनए और डीएनए मतलब अलग हो गया। ठीक है क्या वाला होगा सही, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में करा रखा है। हेलो सर। राइट
हेलो 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 हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ आवाज जा रही है, बताइए। अभी आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर आ रही हाँ बताइए। अब रिजल्ट आने के बाद पता चल। ओवरऑल पेपर कहा जाए कि बढ़िया रहा। अब रिजल्ट आने के बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, कुछ मार्क्स वगैरह बढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अच्छा इन सब चीजों को लेकर के अभी आप कांटेक्ट में रहिएगा। जब भी मैं लाइव आऊंगा, मतलब सप्ताह में कम से कम एक दिन मैं लाइव आऊंगा, तो कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। इन्हीं की एग्जाम दे दिए तो खेल खत्म। जब तक एडमिशन नहीं हो जाए तब तक कांटेक्ट में रहना है। बाकी आपके लिए अच्छा होगा कि डी फार्मा में अगर आप आ रही हैं तो कांटेक्ट में बने रहिएगा। जहां भी कोई दिक्कत आएगी हम लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स आपके लिए साल भर तक वैलिड है, ठीक है। में जो भी जो जो फार्मूला याद किए थे कोई नहीं आया था उसमें से। फिजिक्स कौन सा फॉर्मूला? का कोई नहीं आया था, फिजिक्स मिलता नहीं था अब फिजिक्स का कोई। पेपर ही इतना हार्ड बन गया है, सब सबको बोल रहा है फिजिक्स का पेपर हार्ड है, तो मतलब समझ लीजिए कि फिजिक्स सबका डाउन जाएगा ना। हाँ सर सही बात नहीं, आसान आती तो सब बना के आते, तो कट ऑफ भी ऊपर जाता। अब जहाँ पे मैं 250 बोल रहा था, कॉलेज 230 240 पे मिलेगा। मैं 250 तो बढ़ाकर बोल रहा था, कॉलेज 220 पे मिलता है। काहे चिंता कर रहे केमिस्ट्री हैं, ठीक केमिस्ट्री में तो हर एक चैप्टर से ये वन वन क्वेश्चन आया था उसमें। है। पीरियोडिक टेबल से भी आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था, एक एक क्वेश्चन सब में आया सर। बढ़िया है, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। आपको जागृति कुमारी, जागृति कुमारी, अब तक आवाज जा रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। जी बताइए, आपका भी पेपर आज था, हाँ सर आज कैसा रहा? ये वायरस का जो क्वेश्चन था, क्या आरएनए या तो डीएनए? सर हम आरएनए बस कर दिए। कोई नहीं, एक आध बता रखा लोगों को कि वायरस में या तो डीएनए या तो आरएनए है ना। कुछ वायरसेस डीएनए वायरस भी होते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली वायरसेस आर आरएनए है ना, ज्यादातर आरएनए होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएनए होता है, हाँ सर। और एक ठीक सर है। एक क्वेश्चन और था, वो समझ में नहीं आया बिल्कुल सर। नहीं सर, उसमें ये लिखा था ना कि जो प्रोटीन का नेचुरल हार्मोन, और उसमें इंसुलिन दिया था और ऐसा दिया था सर, समझ में ही नहीं आया उसमें क्या होगा प्रोटीन का नेचुरल हार्मोन। हेलो हेलो हाँ, क्वेश्चन देखने में समझ में आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब तक आवाज जा रही है? हाँ सर, वो प्रोटीन का नेचुरल हार्मोन कुछ होता है। प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन की अमीनो एसिड ऑप्शन में था, तो कहने का मतलब है कि वो पूछा गया होगा कि प्रोटीन एक पॉलीमर है किसका, ऐसा कुछ। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? तो अमीनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक सर है। उसका वो ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में अगर अच्छा, प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन ऐसा कुछ पूछा था कि प्रोटीनिसियस हार्मोन कौन सा हाँ है? हाँ ऐसे प्रोटीन नेचर, हाँ हाँ प्रोटीनिसियस नेचर के हाँ सर हार्मोन। हाँ सर हाँ सर ये हाँ, तो सही है। तो देखो मैंने बताया भी था, स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रोटीनिसियस हार्मोन, ये मैंने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ाया था, तब पढ़ाया था। हाँ सर प्रोटीनिस हार्मोन यही जान लीजिए, स्टेरॉयडल हार्मोन बस कौन सा होता है जो सेक्स हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यही तीन हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन है, बाकी सब प्रोटीनिसियस है। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन था तो वो कोई दिक्कत नहीं, इंसुलिन ग्लूकागोन हो जाएगा प्रोटीनिसियस, ठीक है। तो इंसुलिन होगा ना सर। हाँ सर हाँ एक और है। ग्लूक हाँ हाँ सर हाँ हाँ सही है इंसुलिन सही है, दोनों पे इंसुलिन तो सर दोनों प्रोटीनिसियस पे हार्मोन किए है ठीक, ही। इंसुलिन और ग्लूकागोन।
बढ़िया बढ़िया है। कारण बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज होते हैं हाँ सर, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, ये कुछ हॉर्मोन है जो कि आपका स्टेरॉयडल है और बाकी सब प्रोटीनेज़ है। हाँ ठीक सर, है, ओके सर, बाकी सर सब चलिए फिजिक्स का तो बढ़िया है। बहुत बस अजीबोगरीब कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ऐसा पेपर आता ही है हर साल का नियम रहा है। मैं बताया तो फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्या कि तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे, वो न्यूमेरिकल अमित था सर बहुत सारा, तो सॉल्व नहीं हो पाया। कब जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। सारे अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए बेस्ट लक, ताकि इन लोगों का पेपर अच्छा जाए। ठीक है, ओके सर। शिव जागृति की ओर से आप सभी एग्जाम्स की तैयारी ठीक है। तो और देखा जाए तो पेपर अच्छा था। ये जो बच्चे कुछ परेशान हो रहे थे कि आपका बताने से, आपके पढ़ाने से नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो पढ़ाया हूँ उसी में से पेपर आने वाला है, चिंता मत करो। ठीक, चलिए ठीक है, अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, जिनका कल पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट टू यू ऑल गाइस। तीस मिनट में 50 क्वेश्चन कर दिए, वाह गजब, जो आपने पढ़ाया था सेम आया था सर, वाह। उषा जी कह रही है जो आपने पढ़ाया था चलिए, ठीक है।